Hello everyone and welcome to Sangeeta Kumari channel. Today we will do question number 1 of class 9 science motion chapter 8. This is a question from your back exercise of NCERT. So before starting our question, I want to tell you all that मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर का रिक्वेस्ट आया था कि इस चैनल पे साइंस के जितने भी क्वेश्चन के वीडियोस हुआ करेंगे उसको हिंदी में अपलोड करने के लिए. सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल अपलोड ऑल द साइंस क्वेश्चन वीडियोस इन हिंदी ओनली टू कंप्लीट माय सब्सक्राइबर्स रिक्वेस्ट. सो नाउ लेट्स डू आवर क्वेश्चन व्हिच सेज An athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes and 20 seconds? So they are saying कि एक athlete है जो कि एक circular track है जिसका diameter 200 meter है उसका one round complete कर लेता है in just 40 seconds. सो उसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स. सो लेट्स सॉल्व दिस. सो बिफोर डूइंग दैट इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू हैव टाइम इन वन यूनिट बिकॉज इन्होंने टाइम आपको सेकेंड्स एंड मिनट्स दोनों ही यूनिट्स में दिया हुआ है. सो आपको पहले इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. सो लेट्स डू दैट फर्स्ट. सो टाइम आपको दिया हुआ है 2 minutes and 20 seconds. 2 minutes इज इक्वल्स टू 120 seconds प्लस 20 seconds. ओके सो अब हम इसे ऐड कर देंगे सो वी विल गेट 140 seconds. सो अब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है जिसके लिए हमें ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 140 सेकेंड्स में एथलीट ने कितने नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं. सो लेट्स चेक दैट फर्स्ट. सो एज वी नो दैट एथलीट 40 सेकेंड्स में एक राउंड कंप्लीट करता है वन राउंड. सो अनदर 40 सेकेंड्स में वो 2 राउंड्स कंप्लीट करेगा. नेक्स्ट 40 सेकेंड्स में वो 3 राउंड्स कंप्लीट करेगा और यहाँ पे हमारे 120 सेकेंड्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली 20 सेकेंड्स. सो अगर वो 40 सेकेंड्स में 1 राउंड कंप्लीट करता है सो 20 सेकेंड्स में हाफ राउंड कंप्लीट करेगा. सो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ राउंड्स की बात करूं तो वो हो जाएगा 3.5 और 3 and a half rounds. सो अब हमें टोटल नंबर ऑफ राउंड्स पता चल चुके हैं इसलिए हम डिस्टेंस इजीली निकाल सकते हैं. सो जो हमारा डिस्टेंस होगा That will be 3 rounds plus half round. So 3 into. Okay, so अब ये जो round है वो basically है क्या जो circular track था हमारा उसका circumference है. So circumference of a circle जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πr. सो राउंड की जगह हम 2πr को लिया जा सकता है. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. 2πr प्लस हाफ देन अगेन राउंड दैट इज 2πr राइट. सो अब हम इसे फर्दर सॉल्व कर देते हैं. सो ये हो जाएगा 6πr क्योंकि हमने इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी प्लस ये हो जाएगा आपका 2πr अपॉन 2. सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा
सो हमारा आ जाएगा इसे ऐड करने पे 7πr, 7πr। सो अब हम इसे ओपन कर देंगे इसमें वैल्यूज पुट करके। सो 7πr की वैल्यू होती है 22/7 एंड r, r मीन्स रेडियस। एंड हमें डायमीटर तो पता ही है, डायमीटर का हाफ ही तो रेडियस होता है। सो हमारा जो डायमीटर था दैट वाज 200 meters, उसका अगर मैं हाफ कर दूँ सो आई विल गेट 100। सो रेडियस की जगह पे आई कैन राइट 100। नाउ जस्ट सॉल्व दिस, सो यू विल गेट 2200 meters. So this is our distance. So now let's find the displacement, which is really easy, and also it is mentioned in the question already. So displacement हमारा basically shortest distance होता है किसी भी path का, किसी भी path का जो shortest distance होता है that is your displacement. So जो एथलीट था वो एक सर्कुलर ट्रैक पे राउंड्स ले रहा था। सो उसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा बिटवीन टू पॉइंट्स वो होगा इसका डायमीटर, दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 200 meters. So this is the displacement, and this is our distance. Hope this question is clear to you. If you like this video, so don't forget to share, subscribe, and like. Thanks for watching.